नाजरीन आदाब, न्यूज एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाजरीन का न्यूज एक्सप्रेस उर्दू खबरों में खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, हैदराबाद के गणेश विसर्जन की मुकम्मल रिपोर्ट न्यूज के आखिर में देखी जा सकती है। मौजूदा सूरत हाल में मासूम बच्चियों के साथ ज्यादतियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन के लिए बेहद जरूरी है कि वह अपनी मासूम बच्चियों पर कड़ी नजर रखें। गुज़िश्ता दिनों कबल हैदराबाद में एक मासूम लड़की के साथ ज्यादती का वाकया अभी थमा ही नहीं है कि अब संगारेड्डी में एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ, लेकिन मुकामी अफराद ने लड़की को बचा लिया। बताया जाता है कि संगारेड्डी के इलाके में एक मासूम लड़की को दो नौजवान बहला फुसला कर अपने साथ लेकर जंगल की जानिब जा रहे थे कि अचानक कुछ नौजवानों को इन पर शक हुआ और इन्हें रोककर इनसे पूछताछ की, तब लड़की ने तमाम हकीकत बयान कर दी, जिस पर यहाँ एक हंगामा भी हुआ, लेकिन मासूम मुतासिर होने से महफूज हो गई। जरूरत इस बात की है कि वालिदैन अपने बच्चों पर खुसूसी नजर रखें। बोलो बेटा, तुम्हारा गणेश बता तुम उनके लेके आया। कितनी देर हो, कब निकले बेटा तुम घर से? एक घंटा हुआ। यहाँ तक कहीं को है? हाँ बेटे बोलो, तुम नहीं तुम डरो नको, तुम डरो नको, तुम डरो नको, तुम डरो नको, डरो नको तुम। अरे गाड़ी लेके जाओ, जाओ जाओ गाड़ी लेके जाओ, तुम डरो नको बेटा। हम है, हम है, हम है, डरो नको तुम, कुछ भी नहीं होता। हम जगत्याल म्युनिसिपल सदर नशीन डॉक्टर बोगा शवानी आज गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। बताया जाता है कि गणेश विसर्जन के दौरान चिंताकुंटा तालाब में पूजा के बाद मूर्ति के इंसराम के दौरान तख्ते का तवाजुन बिगड़ गया और ये पानी में गिर पड़ी, लेकिन यहाँ मौजूद गणेश महाराज और दिगर अफराद ने इन्हें थाम लिया। इस तरह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जगत्याल से हमारे नुमाइंदे हाफिज आबिद की रिपोर्ट। ये क्या है?
हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर एक हादसे में एक शख्स जिंदा जल गया। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद के करीब आउटर रिंग रोड पर जाने वाली आल्टो कार में शॉर्ट सर्किट के बाद अचानक आग लग गई। कार में सवार शख्स जिंदा जल गया। पुलिस जाए वकवा पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है, जबकि मरने वाले शख्स की शनाख्त 39 साल डॉक्टर एन श्रीधर की हैसियत से कर ली गई है। महिलू का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के ओंगल से बताया गया है, जो हैदराबाद के मलकपेट में वाके यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर बताए गए हैं। कुबेर मंडल के मुख्तलिफ मौजात जिनमें पलसी, निगवा, मालेगांव, सरपल्ली के अलावा दिगर मौजात में आज गणेश विसर्जन जुलूस का आगाज किया गया और मुनूर कारपुर संगम गणेश से शुभ यात्रा का आगाज किया गया। इस दौरान अकीदतमंदों ने जुलूस में शामिल होकर जोशो खरोश के साथ शामिल थे। जुलूस के दौरान कुबेर पुलिस की जानिब से सख्त सयानती इंतजाम किए गए थे, जबकि तहसीलदार प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी के अलावा दिगर ने जुलूस के दौरान गश्त करते हुए देखे गए। डीएसपी गौस बाबा ने आज एमएलए कैंप ऑफिस मेटपल्ली रुकन असेंबली कोरटला के विद्यासागर राव से मुलाकात करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया और इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर दिगर कायदीन मौजूद थे। मेटपल्ली में गणेश विसर्जन जुलूस का आगाज सूर्य सेना गणेश मंडपम से किया गया, जहां डीएसपी गौस बाबा ने विसर्जन जुलूस को हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर सीआई श्रीनिवास, एसआई सुधाकर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर गंगाधर के अलावा दिगर मौजूद थे। कोरटले में आज प्रेस क्लब में एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पेगडापल्ली के सब इंस्पेक्टर ने राज न्यूज के सहाफी मोहम्मद रफी पर हमला किए जाने की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर TUWJ के जिला सदर एस रामाकृष्णा ने इस मौके पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सब इंस्पेक्टर को मुअत्तिल करने का मुतालबा किया। मुकामी सदर चंद्रशेखर के अलावा दिगर मौजूद थे। అట్లా పద్ధతి కాదు సార్।
मरण व्यक्ति व्यक्ति कोसम वाध्य धर्ना चंदर्भ दवरेज राजेश चैनल रिपोर्टर रफीक पाई अलस रमणमूर्ति एसई नागराजु अशोक आयु विचक्षण रही जीप एक्चा प्रयत्न चशु अंत कवरेज नेरमा घोरमा दी मैं टीडब्ल्यूजी 143 पक्षा जगत्याल जिला पक्षा तीव्र खंड विलेकर् दाड़ अभी सर पद्धति का विलेकर् प्रभुत्वा प्रजक भारती पे करीमनगर के डिवीजन 4 खानापुर के कारपोरेटर अलीबाबा की जानिब से मुकामी दवाखाने में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हुए अवाम की मुफ्त तशखीस करवाई। इस मौके पर AIMIM के सदर गुलाम अहमद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद हमीद, सैयद अब्दुल रहीम, चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन सैयद करीम के अलावा दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर दिगर कायदीन ने भी यहाँ का दौरा किया। जगत्याल के पेगड़ापल्ली की सरपंच शोभा रानी ने आज खवातीन के हमरा जगत्याल तहसील चौराहा पर धरना मुनज्जम करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया के वो रियासत में शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए। इन्होंने बताया कि शराब की वजह से जराइम में बेतहाशा इजाफा हुआ है। बाद RDO जगत्याल को एक तहरीरी आदेश पेश की गयी। जगत्याल से हमारे नुमाइंदे हाफिज आबिद की रिपोर्ट। कांग्रेस सांसदर मोहम्मद खुदबुद्दीन पाशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि शहर के पुराने बस स्टैंड से गजवेल पेट सड़क की तौसी का काम पिछले 5 सालों से तातील का शिकार है और इस जमन में इंतजामिया की खामोशी माने खेज मालूम हो रही है। इन्होंने मुतालिबा किया कि वह तौसी के कामों का फौरी आगाज करें। इस मौके पर दिगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। इपट वरकू आ पन एनकू अर्थम स्थाक एमएलए गारू चर्व चूपी मुनपाल अधिकार चर्यल मेम कांग्रेस पार्टी पक्षा डिमांड
ఐదు సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఇప్పటి వరకు పనులు ఎందుకు చెప్తలేవు? ఇంత నిర్లక్ష్యం మున్సిపల్ అధికారులు. ఎక్కడైతే అనుమతులు లేకుండా పనులు జరిగితే మీరు వెంటనే వచ్చి కూలగొట్టేది. మీరు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి విస్తీర్ణ పనులు ఎందుకు చేస్తలేరు అర్థమైతలేదు. ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా పాత బస్టాండ్ నుంచి గాజులపేట వరకు విస్తీర్ణ పనులు పూర్తి చేయాలని, లేని పక్షంలో మెట్టిపల్లి పట్టణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దెత్తున ఆందోళనకాలు చేపడతామని, అవసరమైతే మున్సిపల్ ముట్టడి కూడా చేస్తామని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన హెచ్చరిస్తున్నాం. करटले में माजूरीन को दो माह गुजरने के बावजूद भी वजीफे की फराहमी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज यहां माजूरीन कमेटी के सदर श्रीनिवास, सेक्रेटरी असगर मोहम्मद खान और अब्दुल अजीज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि माजूरीन की वजीफे की फराहमी हर माह की 5 तारीख से कबल खातों में जमा होनी चाहिए. इस मौके पर दिगर माजूरीन की कसीर तादाद मौजूद थी. विकलांगल पेंशन नेलो మొదటి వారంలో ఇచ్చినట్లయితే వికలాంగులకు ఎంతో లబ్ధి చేకూరుతుంది. ఎందుకంటే వికలాంగులు, వికలాంగ కుటుంబాలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులపైన, వాళ్ళ బంధువులపైన, ఇతరులపైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. సరైన సమయంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చినట్లయితే వాళ్ళకు అందుబాటులో డబ్బు లేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఎన్నో సమస్యలు వికలాంగులకు ఉంటాయి. ఇంటి సరుకులను తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఇతరులపై ఆధారపడినట్లయితే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. కాబట్టి మేము కోరేది ఏమిటంటే, కరెక్ట్ సమయానికి వికలాంగుల పెన్షన్ అందజేసినట్లయితే అది కూడా నెలలో మొదటి వారంలో ఇస్తే బాగుంటుందని మేము ప్రభుత్వాన్ని, ప్రభుత్వ అధికారులని కోరుతున్నాము. జై వికలాంగ్. विकलांगल कमेटी जनरल सेक्रेटरी, आज सितंबर 19 तारीख हो चुकी है, आज तक भी आसरा पेंशन नहीं आया. मैं जनाब सीएम केसीआर साहब और मंत्री को बोधन में आज गणेश विसर्जन जुलूस का आगाज किया गया. जुलूस के आगाज से कबल आरडीओ बोधन राजेश्वर राव, म्यूनिसिपल सदरनशीन पद्मा शरत रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर रामलिंगम के अलावा दिगर कैदीन ने रकासपेट में मौजूद गणेश मूर्ति में पूजा की. इस मौके पर अराकी ने बल्दिया और कैदीन और अकीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी. जगत्याल में गणेश विसर्जन के जुलूस का सुबह से ही आगाज किया गया. गणेश विसर्जन के पेश नजर महकुमा पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया और सीसी कैमरों के जरिए जुलूस पर नजर रखी गई. इबादत गाहों के करीब पुलिस को तैनात किया गया. मस्जिद को कपड़ों से ढाका गया. इसके अलावा जगत्याल के हसास मुकामात जिनमें लड्डू खाजा चौराहा, तीन कोनी चौराहा पर पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया और खुफिया कैमरों से जुलूस की निगरानी की गई. हैदराबाद के मशहूर व मारूफ गणेश मंडली बालापुर गणेश का लड्डू की नीलामी जोरों शोर के साथ की गई
और इस लड्डू को आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले शशांक रेड्डी, एमएलसी रमेश यादव ने दो रियल एस्टेट ताजरीन का बालापुर का लड्डू महाशक्तिपीठ के ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट। तो हमको बहुत 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 खुशी हो रहे हैं, हम ये बालापुर लड्डू कमेटी वालों को बहुत धन्यवाद है। सो हम ये लड्डू हमारा भगवान का बालापुर का लड्डू महाशक्तिपीठ के ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। तो हमको बहुत 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 खुशी हो रहे हैं, हम ये बालापुर लड्डू कमेटी वालों को बहुत धन्यवाद है। सो हम ये लड्डू हमारा आंध्र प्रदेश सीएम साहब जगनमोहन रेड्डी को गिफ्ट देना चाहते हैं। ये लोकल कमेटी वाला, लोकल मेयर जी और लोकल MLA जी सबको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दिस महाशक्तिपीठ। सो बहुत खुशी से ये लड्डू मैं घर ले जा रहा हूँ साहब, सीएम साहब का अपॉइंटमेंट लेके वेरी सून साहब को हाथ में लगाने वाले हैं। DSP गौस बाबा ने आज गणेश विसर्जन के पेश नजर अवाम से अपील की के वो अमन को बनाए रखने में पुलिस का ताउन करें और पुलिस की जानिब से दी जाने वाली हिदायतों पर अमल आवरी करें। इस मौके पर मिटपेली सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, SI सुधाकर के अलावा दिगर मौजूद थे। म्युनिसिपल कोऑप्शन मेंबर वारि आध्वर्यंलो मरियु सूर्यसेन यूथ असोसिएशन वाल्लु 28th वार्ड संबंधिंचिनटुवंटि गणेश नवरात्र उत्सव ब्रह्मांडंगा जरुपुकोनी निमज्जन कार्यक्रम गुरिंचि मरि वारु उदयमे अंदरिकि आदर्शवंतंगा उंडेटट्लुगा कोविड निबंधनलु पूर्तिगा पाटिस्तू वारु निमज्जन कार्यक्रमानिकि इप्पुडु 10 गंटलके वारु तीसि निमज्जनं चेयडानिकि वारु पूनुकुन्नारु, वारिकि निजंगा धन्यवादालु। అదే విధంగా సూర్యసేన వరకు వీరి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఆ గణపతి దేవుని ఆశీస్సులు మరి లింగపల్లి సంజీవ్ గారికి, వారి బృందం అందరికి కూడా తప్పకుండా మంచి జరుగుతుంది అనేది నానుడి నమ్మకం. అదే దేవుడు అందరికీ ముందుగా చల్లగా చూడాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా మెట్పల్లి వాసులందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు, ఈ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఒక ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ మీకు లింగపల్లి సంజీవ్ గారు ఈరోజు మెట్పల్లికే కాకుండా हैदराबाद में गणेश विसर्जन का बड़े पैमाने पर आगाज किया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर विसर्जन जुलूस में अकीदत मंदों की कसीर तादाद में शिरकत करते हुए नाच गाने का एहतमाम किया। इसके अलावा जुलूस के दौरान खवातीन और लड़कियों की कसीर तादाद शामिल होकर रक्स करती हुई नजर आई। इसके अलावा जुलूस के पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त सहानती इंतजाम किए गए थे। पुलिस के आला अफिसर्स जुलूस की रास्ते निगरानी कर रहे थे और सीसी कैमरों के जरिए जुलूस पर नजर रखी जा रही थी। इस तरह कल रात जुलूस बड़े ही जोशो खरोश के साथ पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुआ। भाग्य नगर का
Oh!
चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन, एसएस चैनल नंबर 13 जो एसएस मूवीज चैनल है, जिस पर रोजाना न्यूज एक्सप्रेस की उर्दू खबरें शाम 9:30 बजे और सुबह 8:30 बजे देख सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर देखने वाले तमाम नाजरीन न्यूज एक्सप्रेस की खबरें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज एक्सप्रेस BNS को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जबकि हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर न्यूज एक्सप्रेस BNS को फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।